दोस्तों ये हाल होता है मेरा सुबह 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 के 7 बजे हुए हैं। मेरे दोनों बेटे मेरे पास होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। ये तो दोस्तों इस वक्त मैं लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, जी हाँ, लेकिन वो भी ओरिजिनल, ना कि जो हमारे मार्केट में मिलता है। सो मैंने लिया हुआ है इस वक्त एलोवेरा लीफ और मैं अप्लाई कर रही हूँ। नहाने से पहले मैं एवरी डे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से अप्लाई करती हूँ, काइंड ऑफ मसाज करती हूँ, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उससे पहले भी आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मेरी ओरिजिनल स्किन है। और आजकल मैं कहीं पर भी जाती हूँ दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, मुझे बहुत लोग नज़र लगाते हैं। एवरीबडी से कि एमा जी यू डोंट लुक लाइक ए मदर ऑफ ए 2 किड्स, इवन यू डोंट लुक लाइक ए मैरिड वुमेन एट ऑल। सो आई एम ब्लेस्ड बाय द वे बिकॉज पीपल लव मी सो मच एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो बिकॉज गिविंग मी सो मच सो ब्यूटिफुल स्किन, है ना। सो ये सब ऊपर वाले का भी हाथ है और साथ ही साथ मेरे अच्छे कर्म की भी और अच्छी थिंकिंग की भी है, सारी चीजों का। लेकिन साथ ही साथ एलोवेरा लीफ का भी कमाल है दोस्तों, तो मैं एवरी डे ये चीज करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर रात को सोने से पहले अगर आप अप्लाई करेंगे तो और कमाल का रिजल्ट आपको दिखेगा। जब आप सुबह फेस वॉश करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या बात है यार, मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, वो भी विदाउट मेकअप, विदाउट अप्लाइंग एनी फाउंडेशन, विदाउट अप्लाइंग एनी यू नो फिल्टर एंड ऑल, जो भी आप ट्राई करते हैं। तो मैंने अभी ये लिया है, छोटा सा पीस मैं एवरीडे लेती हूँ बिकॉज मेरे पास जो एलोवेरा लीफ है वो ऑलरेडी बहुत छोटा है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो जब भी मैं एवरीडे यू नो लाइक तोड़ने की कोशिश करती हूँ, सो मुझे ऐसे थोड़ा सा पेन होता है पहले कि अरे यार ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बट फिर भी मैं बहुत छोटा सा पीस लेती हूँ। और मेरा यकीन करें दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों, मैं तो बोलती हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी स्किन पाने का सबका अधिकार है ना। तो आप तो देख सकते हैं इस वक्त भी, और जब मैं इसके बाद फेस वॉश करूंगी, अभी सुबह से मैंने सिर्फ एक ही बार मुंह धोया है ना, तो उसके बाद अब मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो जो मेरा प्रोसेस है एवरीडे विच जो मैं रूटीन में फॉलो करती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और अगर आप भी अच्छी स्किन पाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो बस आप ये एलोवेरा लीफ जेल लगाना शुरू कर दीजिए। इट्स अप टू यू, आप रात को लगा सकते हैं या सोने से पहले, जिस तरीके मतलब नहाने से पहले जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उस तरीके से लगा सकते हैं, एंड यू कैन आपको मिलेगी एक अच्छी नेचुरल स्किन, फ्रेश स्किन, एक यंग स्किन, है ना। सो किस बात का वेट कर रहे हो दोस्तों, अच्छी स्किन, अच्छा दिखना सबका अधिकार है, तो आज से ही स्टार्ट करें। तो आजकल मैं आंवला जूस भी ले रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि मैं जूस पीना पसंद करती हूँ, बट आजकल मैं नहीं बना पा रही हूँ। कभी कभी होता है कि आदमी का मूड करता है, कभी कभी नहीं करता है ना, ये तो आप मानेंगे। तो उसी तरीके से अब जूस पीना तो जरूरी है, चाहे आपका मूड करे या ना करे, या तो आप रेडीमेड लेकर आए मतलब बाहर से लेकर आए, या तो आप खुद बनाए। तो उसी तरीके से मैं अभी बना हुआ जूस पी रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आंवला जूस है। जी हाँ, पीना इतना आसान नहीं होता है इसको, लेकिन पीने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें मैंने ये इतना आंवला जूस है मतलब यहाँ से मैंने लिया, और इसमें बाकी का मैंने वाटर ऐड किया है, जिससे क्योंकि आप इसको खाली नहीं ले सकते, मतलब उसमें लिखा हुआ है। तो आंवला जूस बहुत बहुत फायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए और आपके हेयर के लिए, वो बात अलग है। वापस से रिपीट कर रही हूँ कि पीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग भी अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं आपके हेयर अच्छे रहे, स्किन अच्छे रहे, तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो हैव दिस जूस, ट्राई कीजिए दोस्तों। तो यही छोटी छोटी चीजें मैं करती रहती हूँ अपने पूरे दिन में। बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और हेयर के लिए। हाँ जी दोस्तों, भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया रहना चाहिए, जैसे ही आप सबके हेमा शर्मा कहती है। सो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेमा की कहानी। सो दोस्तों, मैं इस वक्त चांदनी बन के कहाँ जा रही हूँ, जा तो रही हूँ बहुत खास जगह, बता देती हूँ। मुंबई शहर में तो हूँ जैसे कि आप लोगों को पता है, और ये मुंबई का बहुत खास एरिया है, मलाड जिसको बोलते हैं, वो मैं क्रॉस कर रही हूँ। और मैं जा रही हूँ इस वक्त कांदीवली, तो कांदीवली में जा रही हूँ दोस्तों एक खास फंक्शन में। आज मुझे वहाँ पे एक अवार्ड दिया जा रहा है, जो अवार्ड का नाम है जय हो। तो
तो ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है मुझे मेरे काम से खुश होके, जिस तरीके से मैं छोटा मोटा जो भी मैं कर सकती हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, नियत मेरी बहुत बड़ी है, नियत मेरी बहुत अच्छी है, जो भी मैं आजकल समाज सेवा कर रही हूँ, लोगों से प्यार कर रही हूँ, जो मुझ पर बन पड़ रहा है वो मैं दे रही हूँ, तो ये सबसे खुश होके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग मुझे आज एक अवार्ड देने जा रहे हैं। और वहाँ पे कैसे क्या चीजें हैं, किस तरीके से अवार्ड दिया जाएगा, क्या वहाँ का माहौल होगा, वो तो आप लोगों को पता चलेगा वीडियो के द्वारा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता एक्चुअली कि कहाँ है एग्जैक्टली और कैसा क्या सब चीजें उन्होंने अरेंज की हुई है। तो बस मैंने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है, मैं दिखाना चाहूंगी, कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत अच्छी सैंडल पहनी है, प्लीज आप ये दिखाएं, ये मैंने बहुत मुझे बहुत बहुत पसंद आई है एक्चुअली दोस्तों। तो हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। तो बाकी तो दोस्तों एक न्यूज चल रही है जो बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि 12 से 15 साल की लड़की के साथ रेप हो गया है उज्जैन शहर में, महाकाल की नगरी में इतना अधर्म वाला काम हो गया है। और जो वहाँ के जो पंडित है राहुल शर्मा जी ने आके उस बच्चे की मदद की है, और वो ऑटो चालक ने, ऑटो ड्राइवर ने उस बच्चे का रेप किया। दोस्तों ये खबर 3 दिन से मैंने सुनी है और तब से मैं बहुत ज्यादा दुखी और बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बच्चियां कहाँ सेफ है, ना घर के अंदर सेफ है ना बाहर सेफ है। सरकार तो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस न्यूज के बारे में आप लोगों को कितनी जानकारी है, क्या आप लोगों की राय है, तो वो तो मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये कहना चाहूंगी कि ऐसी जितनी भी घटना होती है, प्लीज आपको डर तो लगता ही है, जिनको बेटी है उनके लिए तो बहुत ही डरने वाली बात है, उनको लगता होगा बेटी को हम कहाँ भेजे, लेकिन प्लीज अपनी बेटियों को ना रोकें। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी बेटी को ज्यादा स्ट्रांग बनाएं, अवेयर कराएं छोटी छोटी ऐसी चीजों से कि कोई भी स्ट्रेंजर आदमी अगर कोई भी गलत चीज करता है किसी भी तरीके का, तो उस वक्त उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, है ना। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। और मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से कि थोड़ा सा मुंबई का आप दिखा दें किस तरीके के सिग्नल यहाँ लगते हैं, और बाकी अगली क्लिप में मिलती हूँ आप लोगों को मैं अवार्ड फंक्शन में। तो मुंबई की शान, अभी भी मलाड एरिया में हूँ, यहाँ से मुझे पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। यहाँ पर जाम लगना बहुत आम बात है, मुंबई शहर में आए और जाम में ना फंसे तो क्या है। मैं तो जीरो था, आपने मेरी कीमत बढ़ा दी सर, आई एम ब्लेस्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं अगर श्याम हूं ना कृष्ण, ये हमारा अर्जुन है। दोस्तों दुनिया ने मुझे बहुत धक्के खिलाए, लेकिन श्याम सर ने मुझे आज ग्लैमर की दुनिया का मुझे बादशाह बना दिया। वाकई सौ शो। तो दोस्तों आप लोगों को इस वक्त मैं रेड रेड नजर आ रही होंगी, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रेम में अलग दिखना भी जरूरी है। रेड बैकग्राउंड है, मतलब रेड रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन व्हाइट कलर की मैंने साड़ी पहनी है। तो हेमा जी इस वक्त आई डोंट नो व्हाइट नजर आ रही है रेड नजर आ रही है, लेकिन जैसे भी नजर आ रही हूँ तो मैं आप सबके हेमा शर्मा। सो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे अवार्ड मिल गया है, ये लिफ्ट अकेडमी है जिनकी तरफ से मुझे अवार्ड दिया गया है। और जो मैंने अवार्ड की बात की थी दोस्तों वो मुझे अभी नहीं मिला है, क्योंकि थोड़ा सा आज यहाँ पे ये फंक्शन में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इसलिए वो फंक्शन जो है कल रखा गया है। तो मैं कल भी आप लोगों को ज़रूर मिलूंगी। और मैं कहना चाहती हूँ मेरे कैमरामैन से कि प्लीज़ मेरी साड़ी दिखाएं मेरे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ लड़कियाँ थी जिन्होंने मेरी साड़ी को बहुत पसंद किया है, और मतलब दे रियली लव्ड माई यू नो साड़ीज एंड ऑल, इवन माई दिस क्लच ऑल्सो। और मतलब औरतें फिदा हो गई मेरे ऊपर, उन्होंने बोला हेमा जी जैसा आपका नाम है वैसे आपके बाल हैं, आपकी बातें हैं। सो मतलब ओवरऑल दे लव्ड मी अलॉट, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत यहाँ पे सम्मान मिला, दे रिस्पेक्टेड मी अलॉट। और बाकी मैं क्या बोलूँ दोस्तों, बाकी तो बस जो भी आपको लगा हो वीडियो के द्वारा आप लोग मुझे बताइए। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कार, और अभी आने वाली, और जैसे आएगी ये मैं निकल जाऊँगी। इस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ तो टाइम हुआ है 7:30 बज रहे हैं, और बस अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ ऑन द वे। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, अगर बना पाई तो, नहीं बना पाई तो समझ लेना यही वीडियो का एंड है, बाकी तो आपका जो दिल करता है वो करे दोस्तों। मैं तो बस इसलिए आगे बढ़ रही हूँ कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके आगे बढ़ने का मकसद तब पूरा होता है जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ा सके, और आप तब तक कामयाब नहीं है जब तक आप दूसरों को भी आगे ना बढ़ा सके। तो मेरी जितनी भी मेहनत है वो मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, जैसे मैं हमेशा कहती आई हूँ। और आपकी हेमा बहुत मेहनत कर रही है, जो आप लोग भी देख रहे हैं, बस अपना मुझे ऐसे प्यार देते रहे। और आई थिंक मेरी कार आ गई है, सो आई हैव टू गो नाउ, और बाकी तो मैं कोशिश करती हूँ कार के अंदर भी वीडियो बनाने के लिए। सो यू टेक केयर, लव यू, बाय बाय।